जय 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 हनुमान गुसाई, 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ हनुमान चालीसा के बारे में बताने के लिए कि अगर हम एक बार पढ़े हनुमान चालीसा तो हमें क्या मिलेगा, सात बार पढ़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ऑरा कैसे बढ़ेगा, हम 11 बार पढ़ेंगे तो हमें हमारी कैसी कैसी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दोस्तों अगर आप पर टाइम नहीं है शुरू में तो आप पहले एक ही बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से हमें हम पर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी, हनुमान जी की कृपा हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम फिर हम सात बार पढ़ेंगे तो हमारी मन हमको सुख देने शुरू कर देंगे हनुमान जी। जैसे हम अगर बीमार हैं तो हमें थोड़ा सुख मिलेगा, हमारी रोग दूर होंगे, क्योंकि दोस्तों पहला सुख निरोगी काया, पहले तो वो हमें निरोगी करेंगे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो फिर हमें ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इनको सीता मैया ने दिया है वरदान, तो ये हमें देंगे। और जिसके पास जो चीज़ होती है वो तो उसी चीज़ को देता है ना, तो फिर हमारे पास माया होगी। तीसरा सुख पति अधिकारी, तो हम घर में इस तरह से हनुमान जी का जाप करते हुए खाना बनाएंगे तो पति का अच्छे विचार आएंगे, अच्छी तरह से सर्विस करेंगे, अच्छी तरह से हमारी धन संपत्ति घर में आएगी और सब कुछ हमारा मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी। चौथा फिर हमारा पुत्र आज्ञाकारी, तो जब हम ये हनुमान जी का जाप करेंगे हमारा ऑरा बढ़ेगा, हमारे घर में सुख शांति होगी, हमारी नेगेटिविटी चली जाएगी घर के अंदर, तो हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मेरा छोटा सा पोता है हनुमान जी को देख के झूमने लगता है, ऐसी घंटी बजाता है, घर के दरवाजे पर दिया जलाते हैं तो वहाँ पे भी माथा टेक टेक के जब आगे बढ़ता है। इस तरह से बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। तो दोस्तों जब हमें हनुमान चालीसा पढ़ना हो तो हमें पढ़ते समय संपुट जरूर रखना चाहिए, जैसे कि ये मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब हमारे ये राम जी का अवतार हुआ था तो ये किसी ने नहीं कहा दशरथ के घर में पुत्र हुआ है, क्योंकि अमंगल दूर हो गए थे अयोध्या के, तब मंगल भवन मंगलहारी ऐसे। तो आपको क्या बोलना है सबसे पहले, मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम्हारी हरो नाथ मम संकट भारी। क्योंकि सीता मैया ने भी राम जी से कहा था जो दीन दयाल है, जो सबके संकट हटते हैं, मेरा संकट क्यों नहीं हर रहे हैं। तो दीन दयाल बिरद सम्हारी हरो नाथ मम संकट हर। तो दोस्तों इस तरह से फिर आगे बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करके। तो जैसे मैं दोबारा से बताती हूँ, मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम्हारी हरो नाथ मम संकट भारी, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पामे जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हर भक्त काय, और देवता चित्न धरे हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल पीरा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम्हारी हरो नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद सम्हारी हरो नाथ मम संकट भारी, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई मंगल भवन मंगल हारी। इस तरह से आप बोलेंगे कि आपके आंसू निकले, द्रव द्रव मतलब आंखों से आंसू बहने लगे, आप मगन हो जाएं छोटे बच्चे की तरह। जैसे अपने माँ बाप को रिझाते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करके देते हैं, पिताजी से मम्मा से कहते हैं कि हमने सारा काम खत्म कर लिया, होमवर्क खत्म कर लिया, हम खेलने जाएं क्या, तो माँ बाप को खुश करके ही तो बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे अगर हमें कुछ खुशियाँ चाहें तो हमें अपने परम पिता परमेश्वर को ऐसे ही मतलब लुभाना है, हमें उनको रिझाना है, रिझाना है गा गा के रो रो के।
और जैसे फिर इनका ऑरा है तो हमारा भी ऑरा होगा, हमारा भी माता चमकेगा, हमारा ऑरा अलग ही दिखेगा। जो इच्छा हमारी पूर्ण होगी, कहते हैं ना, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँ, होगा वही जो राम रच रखा। तो जो भगवान जी ने सोच रखा है वही होगा। लेकिन जब हम अपने कर्म इस तरह से करेंगे तो हमारा सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ही होगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।